आखिरकार आपको तकलीफों का सामना क्यों करना पड़ता है? समाज में आखिरकार क्यों आपकी कद्र क्यों नहीं करते हैं? कद्र आपकी कब होगी? ऐसे ही कुछ खास सवालों के जवाब इस वीडियो में आज आपको मिलने वाले हैं और कुछ खास उपाय भी बताएंगे जिससे आपको राहत मिलेगी व परेशानी धीरे धीरे कम होते होते बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपकी राशि देवों की देव महादेव की भी प्रिय राशि है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग भावुक बहुत होते हैं, न्याय प्रिय राशि मानी जाती है आपकी। यदि आपको न्याय किसी भी प्रकार से नहीं मिलता है तो आपको बहुत जल्दी क्रोध आता है। क्रोध आपको तब आता है जब आप सही होते हैं और लोग आपको गलत ठहराने की कोशिश करते हैं व न्याय प्रिय बात नहीं करते हैं तो आपको बहुत जल्दी ही क्रोध आ जाता है। आपकी किस्मत का ताला आखिर कब खुलेगा? मन मुताबिक मेहनत का फल नहीं मिलता है। यदि जीवन में बहुत संघर्ष है तो सफलता भी आप लोगों को देर से मिलती है। आपका संघर्ष कम करने के लिए क्या खास उपाय करने चाहिए जिससे करियर बन सके व आर्थिक स्थिति में भी बदलाव हो सके? जो कि दोस्तों, आपकी राशि को काफी किस्मत वाली राशि कहा जाता है, यानी कि आप किस्मत के थोड़े से धनी माने जाते हैं। भाग्य आपका साथ कब देगा और आपको भाग्य का सपोर्ट पाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, इस वीडियो को जरा अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में इस बात की भी चर्चा की गई है। दोस्तों, सभी के जीवन में दुख सुख तो आते ही रहते हैं, परंतु दोस्तों आपके राशि वाले सुखी कम और दुखी ज्यादा नजर आते हैं। दोस्तों, आप आर्थिक तंगी का ज्यादा सामना करते हुए पाए जाते हैं। दोस्तों, व्यवहार निभाने वाले व्यक्ति होते हैं। यदि आप बहुत तकलीफों से भी गुजर रहे हैं, आप बहुत संघर्ष करते हैं, आपको सफलता नहीं मिलती है तो आपको बता दें कि आप लोग को कुछ खास उपाय करने चाहिए जो कि इस वीडियो के अंत में दिए गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आप लोग इस समय ज्यादा परेशान हैं, संघर्ष भी अधिक करना पड़ रहा है, सफलता भी बिल्कुल हाथ में नहीं लग पा रही है, परंतु आप खुद पर भरोसा रखें, धैर्य रखें, सब ठीक हो जाएगा। बहुत परेशानियां आपने उठाई हैं, इस समय दोस्तों आपका बुरा समय चल रहा है, सब कुछ आपके मुताबिक नहीं चल रहा है, सब तरफ से कहीं ना कहीं आप परेशान नजर आ रहे हैं, आप अपने आप को फंसा हुआ पाते हैं, चारों तरफ से आप ऐसा सोचते हैं कि आप बुरी तरह से फंस चुके हैं। लेकिन समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, गुजर ही जाता है, जैसे रोज शाम के बाद सवेरा आ ही जाता है, वैसे ही दोस्तों आप भी सफल होंगे, आपके दुखों का भी निवारण अवश्य होगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग जल्दी ही सफल होंगे व खुशियां भी प्रदान होंगी। आपके जीवन में बहुत गलत हुआ है, परंतु यदि आपके जीवन में संघर्ष नहीं आएंगे तब भी आप सफलता का असली मतलब भी नहीं समझ पाएंगे। सफलता आखिरकार क्या होती है, आप बहुत अच्छे तरीके से ये बात जानते हैं, क्योंकि सफल होने के लिए आप जी तोड़ मेहनत करते हैं। सफलता वही अच्छी लगती है जिसमें मेहनत लगती है। संघर्ष एवं हुनर जीवन में परेशानियां उलझने आपको परेशान करने के लिए नहीं आती हैं, बल्कि वह इसलिए आती हैं ताकि आप लोग कुछ अच्छी सीख पा सकें, आपको तरक्की मिले, या फिर संघर्ष इसीलिए आते हैं। ये संघर्ष आपको कुछ बेहतर बनाने के लिए आते हैं। कुछ लोग संघर्ष के कारण हार मान जाते हैं तो कुछ लोग हताश भी हो जाते हैं, कुछ परेशान होकर कार्य को छोड़ देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ईश्वर आपका कदम कदम पर परीक्षा लेता रहता है, लेकिन इससे कुछ लोग पास हो जाते हैं तो कुछ लोग बहुत ही बुरी तरीके से टूट जाते हैं। परंतु दोस्तों, धैर्य रखें, आपका समय भी आएगा और ऐसा समय आएगा कि लोग बस देखते ही रह जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि शनिदेव की भी दृष्टि आप पर पड़ेगी, वे न्याय प्रिय होते हैं और वह सही के साथ में ही न्याय करते हैं। यदि दोस्तों आप गलत कोई भी कार्य करते हैं तो शनिदेव भी आपको दुख दे सकते हैं, यदि आप बेहतर कार्य करते हैं तो शनिदेव आपको उसका खास फल भी दे सकते हैं। क्या आपको ये बात पता है कि आपके साथ में आखिरकार ये परेशानियां संघर्ष क्यों होते हैं? आप किसी भी चीज पर अपना सब कुछ निशावर करते रहते हैं। दोस्तों, आपकी एक ही चीज के पीछे पड़े रहना कभी कभार आप लोगों को दुखदायक स्थिति में डाल सकता है। एक ही चीज में पड़े रहना, किसी इंसान पर भरोसा करने लगते हैं, वही आपको चीट कर जाता है, धोखा दे देता है, आपको इस चीज का बुरा लगता है,
अपने कार्य क्षेत्र पर इसका बुरा प्रभाव आप लोगों को देखने को मिलता है, यानी कि आप अपने कार्य क्षेत्र में मन से कार्य भी नहीं कर पाते हैं। जब कोई व्यक्ति आपको चीट कर जाता है, आपको धोखा दे जाता है। यहाँ पर दोस्तों सोचने की बात यह है कि आप सभी तरीके से किसी पर डिपेंड ना हो। आप दूसरों को ये एहसास ज़रूर दिला सकते हैं कि आप किसी के बगैर सब कुछ कर सकते हैं, अकेले इतनी हिम्मत रखते हैं कि सारी चीज़ें आप करने में सक्षम हैं। दोस्तों, आप जिस इंसान के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार होते हैं, वही आपको छोड़कर चला जाता है, क्योंकि आप अपने आप को किसी के भी सहारे यदि छोड़ रखा है, सामने वाले को ऐसा लगता है कि आप उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा उस व्यक्ति का मानना होता है। इसका दोस्तों कोई भी फायदा उठाता है और आपको गिराने की भी कोशिश करता है, आपको ठेस पहुंचाने की भी कोशिश करता है। यदि आपके साथ में भी ऐसा होता है तो आपको यहाँ पर अपने आप पर भरोसा करने की ज़रूरत है, लोगों से कुछ दूरियाँ बनाकर रखने की भी ज़रूरत है। ऐसे लोगों से बिल्कुल ही दूर हो जाएं जो आपका बुरा करने की कोशिश करते हैं या बुरा चाहते हैं। लोगों पर डिपेंड ना होकर लोगों को अपने ऊपर डिपेंड करें, यानी कि लोगों पर आप डिपेंड ना हो, लोग आप पर डिपेंड हों। ऐसा कोई कार्य आपको करना चाहिए, फिर आप सफल भी होंगे और लोग आपसे कार्य निकलवा कर यदि दूर हो जाते हैं, आप सभी का बुरा करते हैं, लेकिन दोस्तों लोग आपको चीट करने की गलती करते हैं, आपको बुरा भला भी कहते हैं, इसका भी दोस्तों उनको एहसास ज़रूर हो जाएगा। आप किसी से लव करते हैं और आप उसको अपनी ज़िंदगी जीने का सहारा बना लेते हैं, परंतु वही इंसान आपको धोखा दे देता है। आप उस पर सब कुछ न्योछावर करते रहते हैं, परंतु वह व्यक्ति किसी के लिए छोड़कर आपको चला जाता है। ऐसा आपके साथ अक्सर देखा गया है, परंतु आखिरकार ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर आप अपना कामकाज भूलकर पूरा उसी पर ही डिपेंडेंट हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं। आप अपने आप को किसी और को ही सौंप देते हैं, आप अपनी इमेज का ध्यान नहीं रखते, यहाँ पर आप खुद की वैल्यू नहीं करते हैं, तो लोग आपकी वैल्यू आखिरकार क्यों करेंगे? आप खुद से प्यार करिए, खुद को शाबाशी देना शुरू करिए, फिर देखिए कि लोग किस प्रकार आपसे प्यार भी करेंगे, आपका सम्मान भी करेंगे और आपके बिना लोग जीना भी पसंद नहीं करेंगे। आप जीवन में एक बार ज़रा इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप जीवन में जो भी करना चाहते हो, जिस भी कार्य में आपका मन लगता है, जिस कार्य में आपको खुशियाँ मिलती हैं, वह कार्य आपको अवश्य करना चाहिए। समाज क्या सोचता है, लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, क्या कमेंट करते हैं, इस पर आप लोगों को बिल्कुल भी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोग इसीलिए कमेंट्स करते हैं कि आप आगे ना बढ़ पाओ, आप सफल ना हो पाओ। इसी वजह से लोग कमेंट करते हैं, इसी वजह से वह ये भी बोलते हैं कि जो कार्य आपने सोच लिया है, इसमें आपको कोई भी अच्छा नहीं मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। लोग इसका सीधा सीधा मतलब है कि वह व्यक्ति आपको कोई भी कार्य करने के लिए आप लोग को निराश कर रहा है, आपको डीमोटिवेट कर रहा है और कोई भी ऐसा कार्य आपको नहीं करना देना चाहते हैं जिस कार्य में आप सफल हों। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, इन सभी बातों को ध्यान ना देकर आपको अपने लक्ष्य को हासिल करना है। लोग खुद आपके पीछे आएंगे और लोग आपको खुद तलाशेंगे, आपको किसी को भी तलाश नहीं करना है, बस अपने काम को अंजाम देना है। पैसा कमाओगे दोस्तों, आपकी राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दोस्तों, आप अपने टैलेंट को दुनिया के सामने लेकर आइए और उसके बाद देखिए कि आपको फ़ायदा मिलता है या नहीं। आपके टैलेंट को भी लोग पहचानेंगे और आपके टैलेंट की लोग इज्जत करेंगे। दोस्तों, आपके सारे काम पूरे होंगे, सारे के सारे सपने पूरे होंगे और आपकी राशि में ये खास कर देखा गया है कि आप जिस भी चीज़ में हाथ डालते हैं, वह कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है। आप अगर नौकरी की तलाश करते हैं तो आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आपको कोई भी नया कार्य शुरू यदि करना चाहते हैं या नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो छोटा सा उपाय ज़रा ये ज़रूर करिएगा जिससे आपको ज़रूर ही फायदा होगा। आपको हनुमान जी की पूजा करना चाहिए, शिव शंकर की पूजा करना चाहिए, जिसमें आप लोगों की आर्थिक तंगी में काफ़ी बदलाव होंगे। देखिए दोस्तों, जो लोग आपका साथ छोड़कर चले गए हैं, उन लोगों के आगे रोने से अच्छा है कि आप लोग अपने कार्य पर ध्यान दें। देखिए दोस्तों, आपको बता दें,
आपकी राशि वाले लोग ऐसे लोगों से रिश्ता बिल्कुल ही तोड़ दीजिए, चाहे दोस्त हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, आप अपने काम पर ध्यान लगाएं। ये लोग दोस्तों आपके कार्य में बाधक बन सकते हैं। ऐसे लोगों से आपको पूर्णतः दूरी ले लेनी चाहिए। जो लोग दोस्तों आपकी हंसी उड़ाते हैं, वह लोग बाद में ज़रूर पछताएंगे और यह भी सोचेंगे कि आखिरकार आप उनके बिना सभी कार्य कर सकते हैं, उनके बिना आप वो सारे कार्य कर सकते हैं जो उनके साथ कभी वह कार्य आप किया करते थे। कार्य क्षेत्र में आप अव्वल आएंगे, सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। आप घमंडी लोगों से जरा सतर्क रहिए, सावधान रहिए, घमंडी लोगों से नाता बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। दोस्तों आपको इस वीडियो में उम्र भी बताएंगे कि किस उम्र में आपकी किस्मत ज़्यादा साथ देती है और आपकी किस्मत खुलती है, आपको सफलता मिलती है। परंतु दोस्तों उम्र जानकर आपको ज़रा मेहनत करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। आपको भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, क्योंकि दोस्तों आपको मेहनत का फल अवश्य ही मिलेगा। यदि आप भाग्य के भरोसे बैठ करके किसी चमत्कार का इंतज़ार कर रहे हैं तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, या आप बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे। आपको कर्म तो करने ही पड़ेंगे। आप दुनिया की परवाह ना करते हुए केवल मेहनत पर ध्यान दें। हम आपको बता दें कि आप केवल वही कार्य करें जिसमें आपको सफलता हासिल हो सकती है, आपका मन लगता है, और जिसमें दोस्तों आपको महारत हासिल हो, उसी में ही आपको ज़्यादा तरक्की करनी है, कुछ बेटर करना चाहिए, और आपको सफलता भी मिलेगी तो बड़ी सफलता ही आपके हाथ लगेगी। यदि आप वो कार्य करना चाहते हैं जिसमें आपका मन बिल्कुल भी ना लगता हो, आप समाज की वजह से वह कार्य कर रहे हैं, तो आपको सफलता तो मिल जाएगी क्योंकि आप मेहनती हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों को वो सफलता बिल्कुल भी नहीं मिलेगी जिसकी आप कभी कल्पना किया करते थे, जिसका आप सपना देखते थे। इसलिए आप वही कार्य करें जिसमें आप लोगों को मन लगता हो, जिसमें आपको सफलता ज़्यादा मिले और बड़ी सफलता आपके हाथ लगे। आपको मैं बता देती हूँ कि आप लोगों को 27 की उम्र में और 32 की उम्र में व 57 की उम्र में आप लोगों को मकान का लाभ मिल जाता है व आपको बहुत सारी सफलताएं भी मिलती हैं। यहाँ पर आपका करियर में भी आप लोगों को सफलता मिलती है, हर चीज़ में आप लोगों को सफलता मिलती है। और इसके साथ ही शादी के बाद में खुद पैसा कमाते हुए ससुराल पक्ष से भी आपको सपोर्ट मिलता है। ससुराल पक्ष से भी आप लोगों को काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं व कुछ लोगों को तो बहुत सारी प्रॉपर्टी भी मिलती है, कुछ ज़मीन जायदाद भी मिल सकती है। तो ऐसा देखा गया है आपके राशि के साथ में। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने के बाद में थोड़ा सा ये है कि आपको कर्म ज़रूर करना चाहिए और आपको वही कार्य करना चाहिए जिसमें आपका मन लगता हो। विवाह के बाद ज़्यादा संपत्ति अर्जित भी आप करते हैं। यदि आप ज़्यादा परेशान रहते हैं तो दोस्तों आपको हम कुछ खास उपाय बता देते हैं। इन उपायों को आप यदि करते हैं तो आप लोगों को सफलता अवश्य मिलेगी व कुछ परेशानियाँ आपकी जो ज़्यादा आती हैं उसमें कुछ कमी भी देखने को मिल सकती है। देखिए दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि सोमवार के दिन आप लोगों को एक पुष्प अपने हाथ में ले लेना है और माता के मंत्र का ओम भूर्भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम इस गायत्री मंत्र का आपको 11 बार पाठ करना है, दिन में 3 बार सोमवार के दिन। इसे दोस्तों आप लोगों को काफ़ी लाभ की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही दोस्तों शनिवार के दिन कुछ लोग पूजा करना बंद कर देते हैं, लेकिन इस पूजा का प्रभाव आपकी राशि पर पड़ सकता है। इसलिए आप लोगों को प्रत्येक दिन जल अर्पित करना है और मन ही मन में आप अपनी मन्नत भी मांग सकते हैं। आप लोगों को सफलता भी मिलेगी, आपकी मन्नत भी वहां पर पूरी हो सकती है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों ऐसी ही अपनी राशि से जुड़ी प्रत्येक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।